नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। अर्थशास्त्र के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक अभिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर ड्यूफ्ले तथा माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से देने की घोषणा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विजेताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवा फिर से शुरू। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। क्रिकेट में पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष बनना तय। और भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका से 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला जीती। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। अर्थशास्त्र के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक अभिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर ड्यूफ्लो तथा माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार उन्हें दुनिया से गरीबी दूर करने के बारे में उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण पर काम करने के लिए दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट। 58 साल के प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी की उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से वर्ष 1988 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। वर्तमान में वे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल प्रोफेसर हैं। वर्ष 2003 में प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी ने अपनी पत्नी ड्यूफ्लो और सेंदिल मुल्लईनाथन के साथ मिलकर गरीबी उन्मूलन के उपायों पर कार्य करने के लिए अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब की स्थापना की। प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी ने 2015 के बाद के विकास एजेंडा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उच्च स्तरीय पैनल में विशेषज्ञ के तौर पर भी काम किया है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अभिजीत बैनर्जी के भाई अनिरुद्ध बैनर्जी ने अपने भाई की शानदार उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी, एस्थर ड्यूफ्लो और माइकल क्रेमर को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि उनके अनुसंधान ने अर्थशास्त्रियों को भारत और विश्व में गरीबी से लड़ने के तौर तरीकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि विश्व में गरीबी उन्मूलन के बारे में प्रोफेसर बैनर्जी ने जो प्रयोगात्मक तरीका अपनाया है, उससे विश्व समुदाय को गरीबी की जबरदस्त चुनौती को समझने और इसका समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री बैनर्जी ने गरीबी दूर करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। श्री मोदी ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार साझा करने के लिए एस्थर ड्यूफ्लो और माइकल क्रेमर को भी शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। हरियाणा में बल्लभगढ़ में आज अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के मुद्दे पर विपक्ष पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश अब अनुच्छेद 370 समाप्त करने जैसे निर्णय करने लगा है, जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि जनता से मिले भारी जनादेश ने उन्हें ये कदम उठाने की ताकत दी। ये पूरे देश की भावना थी कि जम्मू कश्मीर के अलगाव और हिंसा से निकालकर सद्भाव और सशक्तिकरण की तरफ ले जाया जाए। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास और विश्वास के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है। इसका श्रेय आप 130 करोड़ देशवासियों को जाता है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को जाता है कि मुझे ये ताकत मिली है आपके सपने पूरे करने की। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अपनी पार्टी द्वारा प्रस्तावित न्याय योजना को लागू किए जाने की मांग की है। हरियाणा में नुहू में आज एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुए
अच्छे आर्थिक विकास का कारण मनरेगा योजना थी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि हरियाणा में भाजपा शासनकाल में किसानों को अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस हरियाणा में सत्ता में आती है तो यहां भी किसानों के ऋण माफ कर दिए जाएंगे। आपके तीन चार मुद्दे हैं यहाँ पे मेरे सामने लिखे हुए हैं। पहला मुद्दा गुड़गांव से अलवर की रेलवे लाइन, दूसरा न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देना, तीसरा कोटला लेक एक्सपेंशन और चौथा मेवाट कनाल। मैं आपको यहाँ झूठे वायदे करने नहीं आया हूँ। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो ये काम चारों हो जाएंगे। हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में 1160 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा की 90 सीटों के लिए राजनीतिक दलों के कई प्रमुख नेताओं के साथ साथ जानी मानी हस्तियां भी अपना भाग्य आजमा रही हैं। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर करनाल विधानसभा सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंद्वी को 63,000 वोटों से पराजित किया था। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक जिले की गढ़ी सांपला किलोई सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से चुनाव मैदान में हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला इलेनाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट दादरी, ओलंपिक खिलाड़ी योगेश्वर दत्त बरोड़ा और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह पिहोवा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में टिकटॉक स्टार और भाजपा प्रत्याशी सोनाली फोगाट आदमपुर सीट से, कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। 1968 से आदमपुर सीट पर लगातार भजन लाल परिवार का कब्जा रहा है। चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। महाराष्ट्र में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। विभिन्न पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख मुद्दों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अब हम बात करते हैं हमारे मुंबई और नागपुर संवाददाताओं से। पहले चलते हैं मुंबई में मौजूद हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे के पास। जी कुणाल, देश की आर्थिक राजधानी में प्रमुख मुद्दे क्या हैं? लवली, मुंबई में कुल 36 विधानसभा क्षेत्र है और वह 6 अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे हैं। हालांकि एक सामान्य और बुनियादी मुद्दा है जो पुरानी इमारतों का है और चालों का है, इनके पुनर्वसन का है। बॉम्बे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पुनर्वसन, जो कि बीडीडी चौल कहा जाता है, मुंबई के अलग अलग जगहों पर स्थित है और इनका भी एक मुद्दा है, ये काफी सालों से लटका पड़ा है। फिर कोलीवाड़ों के पुनर्वास के मुद्दे हैं, मुंबई के मछुआरे जिस स्थान पर रहते हैं उनके मुद्दे हैं। उनको एक तरह का डर है जो कि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की वजह से उनके सेटलमेंट के ऊपर असर होने की संभावना है, जिसकी वजह से ये मछुआरे डरे हुए हैं। धन्यवाद कुणाल इस जानकारी के लिए। और अब नागपुर से हमारे साथ है गौरी मराठे। गौरी, विदर्भ में प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या हैं? हाँ नवनीत, इस बार विधानसभा चुनाव में विदर्भ में सत्ताधारी भाजपा की तरफ से पिछले 5 सालों में हुआ विकास यही मुख्य चुनावी मुद्दा है। विपक्ष की तरफ से रोजगार की कमी, बड़े शहरों तक सीमित रह गया विकास, किसानों की आत्महत्या आदि मुद्दों को उठाया जा रहा है। विदर्भ अलग राज्य का मुद्दा भी कुछ विरोधकों ने महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है। गौरी, आपका भी धन्यवाद इस जानकारी के लिए। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शेष इलाकों में पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। अब घाटी में पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। घाटी में पर्यटकों के आने जाने पर लगा प्रतिबंध हटाने के सरकार के फैसले के बाद ये फैसला आया है। घाटी में लैंडलाइन सेवाएं 17 अगस्त को आंशिक रूप से शुरू की गई थीं और 4 सितंबर से सभी लैंडलाइन कनेक्शन काम करने लगे थे। इस बीच वहां मोबाइल सेवाएं फिर शुरू होने को देखते हुए आवश्यक एहतियाती उपायों के लिए सुरक्षा बल तैनात हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के अनुसार घाटी में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं। अफवाह और घृणा फैलाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जाएगी और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल लगाए जाएंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने
19 अगस्त को सभी प्राथमिक, 21 अगस्त को माध्यमिक और 28 अगस्त को हाई स्कूल खोलने की घोषणा की थी। प्रशासन ने इस महीने की 9 तारीख को पूरे कश्मीर में सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने का आदेश दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 3,830 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं और कुछ की पहचान की है। जांच एजेंसी एचडीआईएल तथा इसके निदेशकों, मालिकों, बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों की कई संपत्तियों की कीमत निर्धारित कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर एफआईआर के आधार पर मामले की जांच कर रहा है। निदेशालय ने जांच के सिलसिले में इस महीने के शुरू में कई ठिकानों पर छापा मारा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के मामले में सरकार पैनी नजर रखे हुए है और जमाकर्ताओं का पैसा उन्हें वापस दिलाने का प्रयास कर रही है। वे आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित कर रही थीं। बैंकों के विलय के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इस दिशा में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि बैंकों के पास पर्याप्त धनराशि है और ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि बड़ी कंपनियों के सूक्ष्म, लघु और मझोले कारोबारियों की तरफ देनदारी का भुगतान कर दिया जाए। हमने बैंकों से कहा है कि कॉरपोरेट मामले और बैंकिंग सचिव ये सुनिश्चित करेंगे कि अलग अलग प्रकार के सभी डाटा इन बैंकों को उपलब्ध कराए जाएं और इन बैंकों को प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के साथ संपर्क के प्रयास करने और अगर वे चाहें तो उनकी लेनदारी में से बिल डिस्काउंटिंग सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले 6 महीने में घोटाले में घिरे पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से प्रत्येक खाते से रुपए निकालने की सीमा 25,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी है। इस निर्णय से लगभग 77% जमाकर्ता अपना पूरा बैलेंस निकाल सकते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सचिव डॉ अरुण कुमार पांडा ने कहा है कि सरकार की योजनाओं से उद्यमों को ऋण प्राप्त करने, बाजार में पहुंच बनाने और टेक्नोलॉजी संबंधी सहायता प्राप्त करने के तौर तरीके में स्पष्ट बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में डॉ पांडा ने कहा कि महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें 3% का आरक्षण दिया गया है। डॉ पांडा का ये भेंटवार्ता आकाशवाणी के राजधानी और एफएम गोल्ड चैनलों पर आज रात 9:15 से सुनी जा सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस महीने की 17 तारीख से एक सप्ताह की यात्रा पर फिलीपींस और जापान जाएंगे। राष्ट्रपति जापान के नए सम्राट नारुहितो की ताजपोशी समारोह में शामिल होंगे। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्री कोविंद की फिलीपींस यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरा होने के अवसर पर हो रही है। जापान में राजधानी टोक्यो तथा आसपास के इलाकों में शनिवार को आए समुद्री तूफान हगिबिस से मरने वालों की संख्या 56 हो गई है। 15 लोग अभी लापता हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com, हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना तय है। गांगुली के नाम की आधिकारिक घोषणा 23 अक्टूबर को बीसीसीआई के चुनाव के दिन की जाएगी। महिला क्रिकेट में वडोदरा में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है आंखों की देखभाल के प्रति जागरूकता और इसके उपचार। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 से प्रसारित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अर्थशास्त्र के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक अभिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर जिफ्लर तथा माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से देने की घोषणा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विजेताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवा फिर से शुरू। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। क्रिकेट में पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष बनना तय। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।